नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नरेगा का, जिसका वर्तमान में नाम मनरेगा है। इसमें किस तरह से अकुशल मजदूरों को काम मिलता है, इसने कितनी अभी तक उपलब्धियां अर्जित की हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये पहला पार्ट है। इसको हम दो तीन पार्ट में बनाएंगे ताकि आप मनरेगा से संबंधित सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। देखिए, संसद से सन 2005 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम रखा गया नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसी का नाम 2010 में बदल करके मनरेगा कर दिया गया, जिसे एमजी नरेगा बोलते हैं, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2010 में इसका नाम बदला गया। तो अब हम समझते हैं पहले ये कि इसकी स्थापना क्यों हुई। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, तो इसको करने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग गांव में रहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पर भी अभी भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण लोगों की है, और गांव में सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की। वहां पे कोई कंपनी नहीं होती है ना कि लोग वहां पे काम करें जा करके, या इतने भी पढ़े लिखे नहीं होते कि उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी कंपनी में बाहर में जा करके काम करें, कुछ गिने चुने लोगों को। बाकी लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं या पशुपालन करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। तो जब कभी आर्थिक मंदी आती है तो वैसे भी उनके पास काम नहीं है, और आर्थिक मंदी के कारण और भी काम बंद हो गया, जो शहरों में जाकर के कर भी आते हैं वो सब बंद हो गया, तो लोग करें क्या। तो इस पर हर देश की सरकारों ने विचार किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने विचार किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये सरकार का कर्तव्य है कि सरकार एक कल्याणकारी योजना लाए और उसमें लोगों को काम दे। वे व्यक्ति जो कुशल नहीं हैं, अकुशल हैं, तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा, कोई कंपनी में मिलेगा नहीं, तो उनको रोजगार सरकार दे। इसके लिए क्या करे कि एक जगह गड्ढा खुदवाए, इस तरह से कार्य होगा। हालांकि उस कार्य का कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी काम होता है उसका फायदा होता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को काम मिलेगा इसी बहाने। तो समझ में आया कि ऐसा है कि गड्ढा ही क्यों खुदवाएं, हर गांव में तालाब होते हैं, खेतों के जो होते हैं चकरोट होते हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, गांव साफ कराया जाए। तो उद्देश्य यही था कि बिना काम के पैसा न दिया जाए, कुछ कराया जाए। तो इसलिए गांव में अब आप देखते होंगे कि जितने भी तालाब खुदाई होती है ना, चकरोड बनते हैं, उसमें नरेगा के लोग काम करते रहते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई। सबसे पहले 2005 में संसद में ये पारित हुआ। पीबी नरसिम्हा राव इस बिल को लाए थे सन 1991 में ही। इस तरह के बिल 1991 में ही लाया गया था, चलता रहा, ये संसद में पारित हुआ 2005 में, और राष्ट्रपति की मुहर लगी 5 सितंबर 2005 को, यानी कि 5 सितंबर 2005 को ये पूरी तरह से रेडी हो गया। अब जब रेडी हो गया तो अब इसे लागू कराया जाए हर राज्यों में, हर जगह पे। तो इसे पायलट योजना के तौर पे शुरू किया गया, यानी पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये कितना सफल होती है। तो सबसे पहले भारत के जो सबसे पिछड़े हुए जिले थे, सबसे पिछड़े हुए जिले, 200 जिलों को चुना गया और 200 जिलों में इसे आजमाया गया। ठीक है, भारत के सबसे पिछड़े 200 जिले, उसके बाद देखा गया कि बढ़िया है, मतलब कि लोगों को काम मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। तो उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2007 से 130 और जिलों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो पिछड़े हुए थे। बाद में 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया, और वर्तमान में कुछ बड़े महानगरों को छोड़ करके जितने भी छोटे शहर हैं, टाउन हैं, उनमें जितने भी गांव बसे हुए हैं, सब गांव में ये व्यवस्था है। जनजातीय क्षेत्रों में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी, मैदानी क्षेत्रों में भी, यानी कि संपूर्ण भारत में कुछ बड़े महानगरों को छोड़ करके। तो आपने समझा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 2006 में शुरू किया गया, 2007 में और विस्तार किया गया, और 2008 में संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया, और सन 2010 में इसका नाम मनरेगा किया गया। अब देखिए, इस योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। 100 दिन का रोजगार, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसको लगता है कि वह अकुशल है,
किसी भी काम में निपुण नहीं है, वो व्यक्ति केवल मजदूरी ही कर सकता है और उसके पास कोई काम नहीं है, तो वह एक जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करेगा। अब जॉब कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेगा, जॉब कार्ड कैसे बनता है, ये हम सेकेंड पार्ट में आपको बताएंगे। तो जॉब कार्ड वो जब बनवा लेगा, तो जॉब कार्ड बनवाने के बाद जब वो काम मांगेगा, किससे मांगेगा, गांव के प्रधान से। गांव का प्रधान भी सरकार का एक अंग है, तो गांव के प्रधान से वो काम मांगेगा। तो इसमें व्यवस्था की गई है कि काम मांगने के 15 दिन के भीतर उसे काम मिलना चाहिए और वह 100 दिन तक काम कर सकता है 365 दिन में, यानी कि एक वर्ष में वह अधिकतम 100 दिन तक काम कर सकता है। ठीक है, तो जब वह जॉब कार्ड बनवा करके काम मांगेगा तो 15 दिन के भीतर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे काम दिया जाए, ऐसा पहली विशेषता में से बताया गया है। 5 किलोमीटर से दूर पर, यानी जहां वो रहता है वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही जा सकता है, उसके अंदर ही काम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बता दीजिए कि 15 किलोमीटर दूर जाइए, वहां पे नाले की खुदाई हो रही है, वहां आपको काम मिलेगा, ऐसा नहीं। 5 किलोमीटर रेडियस में ही उसको काम दिया जाएगा, यानी कि गाँव में या फिर आसपास, ये व्यवस्था है। सूखाग्रस्त जनजाति क्षेत्र की स्पेशल व्यवस्था है इसमें, यानी कि वे जो क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित हो गए हैं, जहां पानी कम बरसता है, या फिर जनजातीय क्षेत्र हैं जहां आदिवासी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ये 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन की व्यवस्था की गई है, यानी उनको 365 दिन में 150 दिन का काम दिया ही दिया जाएगा अगर वह मांग करेंगे तो। एक तिहाई महिलाएं, यानी जितने भी लोगों को काम दिया जाएगा उसमें एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए, ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर 300 लोगों को काम दिया गया किसी गांव में नरेगा के तहत, तो उसमें 100 महिलाएं होनी चाहिए कम से कम, अधिक हो जाए और अच्छी बात है, कम से कम 100 महिलाएं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत में एक अधिनियम पास हुआ था कि एक न्यूनतम मजदूरी रखी जाए कि इससे कम कोई मजदूरी न दे। कभी कभी होता क्या है कि लोग बेगारी करवा लेते हैं, जैसे किसी को काम की ज़रूरत है, उसको काम नहीं मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति है जिसके पास काम है और वो जान रहा है कि ये व्यक्ति खाए बिना मर रहा है, या इसको काम करने की मजबूरी है, इसलिए हम इसको जो भी देंगे उस पर ये तैयार हो जाएगा, तो उससे कम पैसे पर ही वो काम करवा लेते हैं, तो ये एक बेगारी का रूप है और कभी कभी नहीं भी देते। तो ऐसा न हो इसलिए 1948 में ही अधिनियम बना दिया गया था कि सरकार एक मजदूरी की सीमा निश्चित कर देगी कि इससे कम कोई नहीं देगा, इससे ज़्यादा ही देंगे या फिर इतना देंगे। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में ये लिखा गया है कि वर्तमान में भी 60 रुपये से कम कहीं नहीं मिलना चाहिए। हालांकि 60 रुपये नहीं मिलता हर जगह, 150, 200, कहीं कहीं 200 से ऊपर मिलता है, लेकिन 60 रुपये से कम नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 60 रुपये तो कम से कम मजदूरी हुई, लेकिन उसके बाद महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। जिस तरह से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं वो जोड़ी जाती हैं, उसी तरह से इनमें भी जोड़ करके 150, 200 या 200 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, इससे कम मजदूरी नहीं हो सकती, ये इसमें लिखा गया है। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का मतलब कि ये जो काम होता है पूरा जो करवाया जाता है मनरेगा के तहत, ये पंचायती राज संस्थाएं करती हैं। भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो इनका क्रियान्वयन करती हैं। ठीक है, भागीदार, यानी कि इसमें कौन कौन भागीदार है, इस योजना में कौन पैसा देता है, तो इसमें केंद्र भी पैसा देती है और राज्य भी पैसा देता है। तो केंद्र और राज्य मिल करके इस योजना को चलाते हैं, केंद्र की योजना है लेकिन इसमें भागीदार राज्य भी है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं के बाद हम गिनाते हैं कि इसकी उपलब्धियां क्या हैं, आज तक इसने कितने मुकाम को छुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण, यानी कि समाज कल्याण के लिए इससे बड़ा कार्यक्रम पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलाया जा रहा है, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीबी उन्मूलन में योगदान, आप जानते हैं कि भारत गांव में बसता है, 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है और गांव के लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, तो यदि गरीबों को काम मिल जाए तो ये तो सबसे बड़ा काम है।
तो चूंकि ये गरीबों को काम मिलता है, इसमें गांव के लोगों को काम मिलता है, इसलिए उनको रोजगार मिलता है, इसलिए उनकी गरीबी में भी कमी आई है। तो गरीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा योगदान अगर वर्तमान में कहा जाए तो वो है मनरेगा का। WB यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने 2015 में इसे सबसे बड़ा कल्याणकारी योजना घोषित किया था विश्व का, तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की थी। और 2018 के बाद से, 2018 के पहले इसमें 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग काम करते थे, यानी कि 50% से ज़्यादा भागीदारी 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की थी। लेकिन 2018 से ये देखा गया है कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के लोगों की भागीदारी इसमें ज़्यादा हो गई है। इसका मुख्य कारण है बढ़ती बेरोजगारी। वो करें क्या, तो चलिए करें क्या, तो कम से कम खाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए एक तो काम ये है कि उनको 100 दिन का काम मिलेगा। 365 दिन वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, 365 दिन में कम से कम 100 दिन तो काम करेंगे। गौर किया होगा, अभी पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के दौरान सारे काम धंधे लोगों के बंद हो गए थे। जो ठेला लगाता था वो भी बेचारा क्या करे, कपड़े की दुकान बंद, चाट समोसे की दुकान बंद, मतलब सब दुकानें बंद। और ऐसे भी लोग थे अधिकांश संख्या में जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, यानी कि अगर वो जिस दिन कमाए ना उस दिन उनको सब्जी खरीदने का पैसा नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में मनरेगा के तहत उनको काम मिला और उन्होंने लॉकडाउन में भी अपने आप को सर्वाइव किया। अगर ये मनरेगा नहीं होता तो बहुत भयावह स्थिति होती लॉकडाउन के दौरान गांव की। तो मनरेगा ने बहुत संभाला। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो कमियों के पहले, कमियों में सबसे बड़ी कमियां हम इसमें ये बता देते हैं कि बजट की कमी है। जैसे बताया कि सरकार, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर की योजना चलाती हैं, तो जो बजट आवंटित किया जाता है उस बजट के हिसाब से यहाँ पे काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो बजट कम होने के कारण कभी कभी अनदेखी कर दी जाती है, या फिर पंचायती राज संस्थाओं में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो इनका क्रियान्वयन करते हैं, उनकी भी मजदूरी काफ़ी दिनों तक रोक रखी जाती है। इसमें जो काम करते हैं लोग, उसमें 78% लोगों की मजदूरी 3 महीने 4 महीने बाद मिलती है, यानी कि समय पर मजदूरी भी नहीं मिल पाती उनको। 78% लोगों की मजदूरी नहीं मिल पाती समय पे, यह भी एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। और इसकी अगर समस्या की बात करें तो जो इसका भ्रष्टाचार है वो तो चरम पर है। जब तक डायरेक्ट खाते में पैसा नहीं आता था उसके पहले बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था इसमें, क्योंकि प्रधान के माध्यम से पैसा मिलता था, है ना, जितने लोग काम करते हैं उनको पैसा प्रधान के खाते में आता था, उसके बाद मिलता था। तो भ्रष्टाचार अब समझ ही रहे हैं, अब इसको क्या एक्सप्लेन करें, बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से डायरेक्ट खाते में आने लगा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। अभी भी आप जानते होंगे प्रैक्टिकल, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, कि गाँव में आधे लोगों का कम से कम जॉब कार्ड फर्जी बना होता है, जो काम करने नहीं जाते उनको जो पैसा मिलता है आधे से कम उनको पैसा मिलता है। अगर मान लीजिए कि वो 10,000 रुपये का काम किए हैं, तो मैं अपने पूरे होशो हवास में बता रहा हूँ कि इस 10,000 में शायद उनको 2,000 ही मिल जाए, बाकी का 8,000 ऊपर के कर्मचारी जो लगे होते हैं, जो इनको काम दिलवाए होते हैं, जॉब कार्ड बनवाए होते हैं, वो खा जाते हैं। तो भारत सरकार का आधा पैसा सही जगह नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें अगर यही सुधार हो जाए कि जो बजट सरकार करोड़ों का इसमें आवंटित करती है, वो पूरा बजट, पूरा का पूरा पैसा अगर वास्तव में इन गरीबों के लिए, जिसके लिए योजना चली है, उनके पास पहुंच जाए, तो गरीबी उन्मूलन में और योगदान करेंगे। और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि जो महिलाओं की भागीदारी को एक तिहाई किया गया है, इसमें एक तिहाई से बढ़ाया जाए, 50% किया जाए, कि क्योंकि जानते हैं आप, गांव में जो पुरुष होते हैं वो काम करने के लिए शहरों में चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएं? तो महिलाएं गांव में ही काम करेंगी, शहर उनको जाने का चांस कम है, इसलिए इसमें भागीदारी को बढ़ाया जाए, 50% किया जाए। तो ठीक है, आज बस इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट था, आज हमने एकदम बेसिक चर्चा किया है। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जॉब कार्ड कैसे बनता है, फिर जॉब कार्ड के बाद आप काम कैसे मांगेंगे, फिर इसमें और आपको डीपली जानकारी देंगे।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।